पहले मैंने बताया कि हरिहर काका एक बूढ़े इंसान है, उनके घर में औलाद नहीं है, भतीजों के साथ रहते हैं, तो भतीजों की पत्नियां उन्हें कुछ खास अच्छा ट्रीट नहीं करती। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मैंने बताया कि महंत कौन है, ठाकुर बाड़ी का निर्माण कैसे हो गया, हरिहर काका और लेखक का रिश्ता क्या है, ये हमारे बात हुई। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जब ठाकुर सॉरी उसको हरिहर काका को निकाल दिया, घर से निकल आया हरिहर काका, तो ठाकुर बाड़ी के महंतों को तो मौका मिला ना, वो कहते हैं आ जाओ आपको अच्छा खाना देंगे, आप ठाकुर बाड़ी में रहो, बस अपनी जमीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, यानी ठाकुर बाड़ी और बड़ी हो जाए, ठीक है, नाम कर दो, भगवान के नाम करोगे, भगवान भला करेगा, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, अगले जन्म में आपको लाभ मिलेगा, पता नहीं क्या क्या उसको प्रलोभन देने लगे। तो बच्चे ये प्रलोभन दे ही रहे थे कि उधर से उसके भतीजे लेने आ गए, भतीजों ने हाथ जोड़े, माफी मांगी, अपनी पत्नियों को भी कहा कि दोबारा चचा को ऐसे नहीं करना। तो हरिहर काका को लगने लगा कि मेरे भतीजे सुधर गए, भतीजों की पत्नियां भी सुधर गई हैं, किसके कारण, इस ठाकुर बाड़ी के संत के कारण, महंत के कारण। कुछ दिन तो ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद दशा फिर विपरीत हो गई, है ना, ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया हरिहर काका का, और उनको कोठड़ी में बंद करके जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे लगवाए। अब महंत के भाई भतीजे ढूंढते हुए आए और हरिहर काका को ढूंढ कर ले गए। हरिहर काका के साथ मिलकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि मुझसे जबरदस्ती अंगूठे लगवाए गए हैं, मुझसे जबरदस्ती कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं, तो उसके उसके खिलाफ मतलब एक तरह से पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो गई और ये अपने घर आ गए। कुछ समय बाद भतीजों ने भी जबरदस्ती करनी शुरू कर दी कि आप अंगूठे लगा दो। हरिहर काका ने समझाया, मेरे मरने के बाद सारी जायदाद आप लोगों के पास ही आने वाली है, मैं कोई साथ तो ले नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, उनको क्या कहते हैं, बेसब्री हो गई, या उनके मन में गलत भावना कि कहीं हरिहर काका दोबारा ठाकुर बाड़ी के महंत के नाम ही जायदाद ना कर दें, ठीक है, तो ये शंका होने पर वो पहले तो रिक्वेस्ट करते रहे हरिहर काका से, बाद में उन्होंने भी महंत की तरह जबरदस्ती करनी शुरू कर दी, जबरदस्ती उनसे अंगूठे लगवा लिए। अब हरिहर काका को अच्छा नहीं लगा, हरिहर काका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि वो मृत्यु के किनारे तो है ही, मरना तो है ही, फिर डरना नहीं, उन्होंने भतीजों के खिलाफ भी कंप्लेन कर दी। अब पुलिस की मौज हो गई, गांव दो हिस्सों में बट गया, कुछ लोग कहते नहीं नहीं हरिहर काका को अकल करनी चाहिए, ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन लिख देनी चाहिए, भगवान के काम के लिए जमीन देगा तो इसके ये तो अमर हो जाएगा, इसके तो अगले जन्म में भी ये मिलेगा या वो मिलेगा, ओके। कुछ लोग कहते नहीं, अपने भतीजे अपने होते हैं, खून खून होता है, नहीं अपने लोगों को ही उसे जमीन देनी चाहिए, उसे बेगानों को जमीन नहीं देनी चाहिए, मंदिर में देके क्या फायदा होगा, इस तरह की बातें होने लगी, यानी जो गांव था दो हिस्सों में विभाजित हो गया, ठीक है। लेकिन हरिहर काका बहुत दुखी हो गए, हरिहर काका अपनी जमीन पे किसी नौकर को रख के हल चलवा सकते थे, इतनी जमीन थी उनकी, खेती करवा सकते थे, फिर उससे आए हुए पैसे से नौकर रख के अपने लिए खाना बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अब तो दोनों तरफ से केस जो है पुलिस के पास चला गया था, यानी उनकी निगरानी के लिए पुलिस नियुक्त कर दी गई। अब हरिहर काका बिल्कुल चुप रहने लगे, लेकिन उन्होंने एक बात सोच ली, मरता मर जाऊंगा, अपनी जमीन अपने जीते जी किसी के नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि उन्हें अपने एक नोन जान पहचान में एक औरत का किस्सा याद है, रमेश्वर की विधवा, रमेश्वर की पत्नी, रमेश्वर मर गया, उसकी विधवा को उसके बच्चों ने बहला फुसलाकर जमीन अपने नाम करवा दी, और बाद में
उसे दो टाइम का खाना भी नहीं दिया जाता था, कुत्तों की तरह उसे ट्रीट किया जाता। हरिहर काका को ये वाक्य भूला नहीं था, इसलिए हरिहर काका जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहते थे। वैसे भी जब मनुष्य मृत्यु के पास होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जब उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए यानी समझ आ जाए कि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, फिर तो वो बिल्कुल ही किसी चीज से नहीं डरता। अब अगर हम सोचें यहाँ पे मीडिया होती तो क्या होता, शायद बेचारा हरिहर काका इतना दुखी नहीं होता, मीडिया से शर्म खा के उसके भतीजे उसे अच्छी तरह से पूछते, शायद महंत को भी कुछ शर्म आ जाती और वो भी इस तरह दुखी ना करता उसे, शायद पुलिस को भी शर्म आ जाती जो वेले बैठ के खाने के लिए तैनात हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस इज द होल लेसन। अब अगला लेसन आप टोपी करना चाहेंगे या फिर सपनों के सिदन। कीर्ति टोपी कर लेते। ओके टोपी लेसन। टोपी शुक्ला है कि टोपी है? टोपी शुक्ला है ना, टोपी लेसन नहीं है, टोपी शुक्ला। शुक्ला कास्ट है शुक्ला इनकी। हाँ ये है शुक्ला जी नीले तेल वाले, भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, उनका बेटा है ये। तो बेटे टोपी के पहले टोपी के परिवार को समझते हैं, फिर उसके दोस्त को समझते हैं, फिर उसके दोस्त के परिवार को समझेंगे, फिर हम लेसन करेंगे, ठीक है। अब टोपी के पिताजी डॉक्टर हैं, नीले तेल वाले डॉक्टर है, चुनाव में खड़े हुए, यानी अच्छी फैमिली है, माँ है बिल्कुल अनपढ़ पूर्वी बोली बोलने वाली, लेकिन दादी है कुछ पढ़ी लिखी टाइप, उर्दू बोलती है, यानी उसे पूर्वी बोली बोलनी बिल्कुल अच्छी, मारे को तुम्हारे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसे, दादी को। इसके दो बड़े भाई भी हैं टोपी के जो अपने आप को कुछ समझते हैं, ठीक है। ये इसका घर है। अब इसका एक दोस्त है इफन, जिसके पिता कलेक्टर हैं, जिसके घर में बहन भी है, पिता भी है, माता भी है और एक दादी भी है। अब इफन की दादी पूर्वी बोली बोलती है, ठीक है, और उसके घर में सब उर्दू बोलते हैं, सिर्फ दादी पूर्वी बोली बोलती है। अब ये टोपी जब इफन से मिलने जाता है ना, तो इफन मुसलमान है, टोपी इफन के घर से कुछ नहीं खाता, केवल दोनों अगर बैठकर इकट्ठे कुछ खाते हैं तो फल, क्योंकि मुस्लिम परिवार में मांस वगैरह खाया जाता है और टोपी है बिल्कुल ही वेजिटेरियन फैमिली का, ठीक है, शाकाहारी भोजन खाने वाला। तो टोपी इफन की दादी के पास जाकर बैठता है क्योंकि वो उसकी माँ के एरिया की लगती है उसे, क्योंकि उसकी बोली उसकी माँ जैसी है, तो उसे लगता है कि माँ के सन्निधि में बैठा है, माँ की गोद में बैठा है दादी के पास। और दादी भी उसे किसी और के पास नहीं जाने देती, बुला लेती अपने पास कि तू उधर क्यों क्या करने जाता है, उधर से डांट खाने जाता है, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। अब जो इफन की दादी है वो इफन और टोपी दोनों से प्यार करती है, दोनों को कहानियां सुनाती है, दोनों से प्यार करती है, दोनों को दुलार देती है। अब टोपी चाहता है कि हर समय इफन की दादी के पास बैठा रहे, वो उसकी दादी से इतना प्यार करता है कि एक बार इफन को कह देता है तू एक अपनी दादी मेरी दादी से बदल नहीं सकता क्या। तो इफन उसे समझाता है देख हम दोस्त तो दादियां बदल भी लें, लेकिन भाई मेरी दादी मेरे पिता की मम्मी भी है, मम्मियां कैसे बदली जाएंगी, दादियां बदली जाएंगी मम्मियां कैसे बदलेंगी। तो वो टोपी को बात समझ में आ जाती है कि नहीं दादी बदली नहीं जा सकती। अब टोपी उम्मीद करता है कि मेरी दादी मर जाए जो तंग करती है मुझे, लेकिन होता क्या है, अचानक इफन की दादी मर जाती है। अब एक घटना का उल्लेख है बच्चे, दो घटनाएं हैं, दो या तीन घटनाएं हैं टोपी के घर की, एक आधी घटना है इफन के घर की। अब टोपी के घर की घटना पहले लेते हैं। एक बार क्या हुआ, टेबल पर बैठे सारे खाना खा रहे थे तो सब्जी बन नहीं हुई, टोपी ने कह दिया कि अम्मी ये जरा आगे देना, तो वहां तो सबके हाथ रुक गए ना,
अम्मी अम्मी अम्मी, ये शब्द कहां से आया, ये तूने कहां से सीखा? उसने कहा मैं अपने दोस्त इफन से सीखा हूं, इसमें क्या बात है। बस सारे उसके पीछे पड़ गए, तू मुसलमान के घर का आता है, तू मुसलमान के घर जाता है, तू मुसलमान के घर का खाता है। इतने में बड़ा भाई झूठी कंप्लेन, मतलब अपना इल्जाम उसके सिर पे लगा दिया टोपी के, कि मैंने टोपी को एक दिन ना नॉनवेज खाते देखा है। जबकि हुआ क्या था कि कबाब उसका बड़ा भाई खा रहा था और उसने बचने के लिए टोपी को पैसे दिए थे कि वो कंप्लेन ना करे घर में। ठीक है, अब इल्जाम टोपी पे लगा दिया जाता है, टोपी की खूब पिटाई होती है, खूब पिटाई होती है। एक बार और क्या है कि एक बार कोट सिलवाए जाते हैं सबके लिए, सबके नाप के कोट बनते हैं। तो जो इससे बड़ा भाई होता है ना टोपी का, उसका कोट थोड़ा टाइट होता है, नया होता है पर थोड़ा टाइट सिल जाता है, तो वो टोपी को दे दिया जाता है कि तुम पहनो। टोपी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, कहता है मेरे लिए तो सिलवाया नहीं, बड़े भाई का कोट मुझे क्यों दिया जा रहा है, मैं नहीं पहनूंगा। वो उठा के वो कोट नौकरानी के बेटे को दे देता है। अब वो नौकरानी के बेटे को दे दी, चाहे नई चीज दी, आप उससे वापस तो ले नहीं सकते क्योंकि आप नौकरानी को दे चुके हैं। ठीक है, अब उससे कोट वापस तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन टोपी को कहा जाता है तेरे लिए अब कोट नहीं आएगा, हमने तेरे को कोट दे दिया, अब तू जाड़ा खा यानी ठंड खा, अब आपको स्वेटर नहीं लेके दिया जाएगा। ठीक है, तो टोपी मजाक से कहता जाड़ा वाड़ा हम नहीं खाएंगे ना, हम तो रोटी खाएंगे। ओके, ये घटनाएं थी टोपी के घर में। एक घटना और है टोपी के घर में, टोपी बेचारा 1 साल टाइफाइड हो गया, 1 साल उसके पिता के इलेक्शन थे, फेल हो गया 2 बार 9वीं कक्षा में। अब 9वीं कक्षा में फेल होने पर हमारी शिक्षा पद्धति हम पर क्या क्या रोक लगाती है, हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। पहले तो बच्चा एक एक साल अगर बीमार हो गया और पेपर ना दे तो उसे फेल डिक्लेयर कर देना, कहां तक शिक्षा पद्धति के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ठीक है। ठीक है, अब ये शिक्षा पद्धति का क्वेश्चन अलग से बन के आ सकता है, इट इज अप टू यू। ठीक है, लेकिन उसके साथ तो बेचारे के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, उसे क्लास में टीचर क्वेश्चन नहीं पूछते, उसे क्लास में टीचर कहते हैं कि तू अगले साल सुनाना, उससे अगले साल सुनाना, तू तो छोटे 7th के बच्चों के साथ बैठ क्योंकि तू अगले साल भी फेल होने वाला है, 3 साल में तुझे तो किताबें रट गई होंगी, तू तो पक्का हो गया होगा, है ना। इस तरह की बातें उससे कही जाती हैं जो उसे बहुत बुरी लगती है। ओके, हमारी शिक्षा पद्धति है ही ऐसी है कि टोंट मारने से कोई बाज नहीं आता, टीचर हो या घर वाले हो, फेल होना तो हम एक तरह का क्राइम समझते हैं। अब हम चलते हैं इफन के घर। इफन के घर में क्या है बच्चे, उसकी दादी पूर्वी बोली बोलती है, नकलऊ की रहने वाली है, और अपने घर में खूब दूध दही लपड़ छपड़ खाती थी, लेकिन यहाँ पे मौलवी की पत्नी बन के आ गई, मौलवी, तो उसके दूध दही तो उसे खाने ही नहीं दिया जाता, घर में बाजे बाजे भी नहीं बजाने दिए जाते। अब घर में बाजे नहीं बजाने दिए जाते, उसका दिल करता है कि कुछ किया जाए, लेकिन नहीं, उसे परमिशन नहीं है। जब उसका पति मर जाता है तो वो अपने पोते के जन्मदिन पे बाजे वगैरह बजा लेती है। ठीक है जी, और अपने मायके जब जाती है तो जी भर के दूध दही खाती है। ओके, तो दिस वाज द होल लेसन। इफन को अपनी दादी से प्यार क्यों था, टोपी को इफन की दादी से प्यार क्यों था, शिक्षा पद्धति पे, शिक्षक पद्धति के बारे में क्या कहा गया है इसमें, ये हो जाएगा। फिर और हो जाएगा, हाँ, फिर ये बाद में जब इसका दोस्त का भी ट्रांसफर हो जाता है ना, इफन और इफन के पिता का, तो ये नौकरानी की गोद में चला जाता है। अब जब नौकरानी के पास इंसान बैठता है तो हमारी सोच और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा टोपी शुक्ला। नेक्स्ट लेसन, सपनों के से दिन 11:20 तक के पीरियड ये है ना, सपनों के से दिन नहीं, 11:30 तक है, 120 11:20 तक है।
ओके चलिए, सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह, पंजाबी राइटर, ठीक है, पंजाबी राइटर हैं। इन्होंने कहा मुझे स्कूल जाना कभी भी अच्छा नहीं लगा था। क्यों नहीं अच्छा लगता था स्कूल जाना? क्योंकि एक तो वही अगली क्लास में जाना, वही टीचर्स, वही सब कुछ पुराना, किताबें भी पुरानी मिल जाती, इससे क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। और यही कारण था मेन क्यों नहीं क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लेखक कहते मैं पढ़ता रहा क्योंकि मुझे हेडमास्टर जी पिछले साल की किताबें किसी की दे जाते थे, इसलिए मैं पढ़ता रहा। जबरदस्ती पढ़ाई होती रही लेखक की। अब बचपन में लेखक याद कर रहा है कि हम गर्मी की छुट्टियां या कहीं छुट्टियां होती ना, हम लोग खूब एंजॉय करते। भाषा तो कभी रुकावट नहीं होती, जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना तो कौन सी लैंग्वेज कौन बोल रहा है पता नहीं, बच्चे कैसे समझ जाते हैं आपस में। भाषा कभी खेल में रुकावट नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, विचार समझने समझाने में रुकावट हो सकती है, लेकिन खेलों में कभी पढ़ाई लिखाई रुकावट नहीं होती, ये बताया गया इसमें। फिर इनका बचपन का एक दोस्त था ओमा, छुट्टियों में ये लोग क्या करते, कैसा व्यवहार करते, काम रह जाता लास्ट दिनों में कर लेंगे, चलो 15 नहीं 20 सम कर लेंगे, ऐसे करके ये लोग टाइम पास करते। और जब लास्ट में थोड़े दिन रह जाते तो इनकी क्लास का एक लड़का था उसके जैसे बन जाते, यानी उसके जैसे मार खाना उन्हें ज्यादा सस्ता सौदा लगता। वो जो ओमा था उसको इतना बड़ा से छोटा सा शरीर, जब किसी को मारता अपने सिर से मारता तो उसकी पसलियां पसलियां तोड़ देता। तो ये डॉक्टर की तरफ, सॉरी, ये बताया गया है कि वो थोड़ा सा कैसा व्यक्ति था, और मार खाना उन्हें भी लगता कि उमा की तरह मार खाना। सब बच्चे इससे डरते थे और इसे रेल बम्बा कहते थे, रेल बम्बा कहते थे। ओके ये हो गया। इसके बाद डॉक्टर ये कहता है, गुरदयाल सिंह कहते हैं कि मुझे कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। कब अच्छा लगता था? जब प्रीतम चंद जी, उनके पीटी मास्टर जो बहुत सख्त थे, बहुत सख्त नेचर के थे, बहुत चमड़ी उधेड़ देने वाला काम करते थे, बैंत मारते थे, किसी का प्रेयर में या असेंबली में किसी का टखना हिल गया या किसी ने खुजली करने के लिए कोई झुका तो उसके टखने पे मारते थे, मार मार के खाल उधेड़ देते थे। एक बार क्या हुआ, प्रीतम चंद को ना, इनका फोर्थ क्लास में थे लेखक, तो इन्हें फारसी के घंटे में कुछ शब्द रूप याद करने को दिया। किसी बच्चे को भी नहीं हुआ, इंटेलिजेंट बच्चों को भी नहीं हुआ, अगले दिन उन्होंने मुर्गा बना दिया और ऊपर से डंडे मारने शुरू कर दिए। वहां से प्रिंसिपल निकल रहे थे, उन्होंने कहा इज इट द राइट वे टू ट्रीट द स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, क्या कर रहे हैं आप, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। अब ये मुअत्तल होकर घर में रहने लगे और घर में ये अपने तोतों को इस तरह छील छील के गिरियां खिलाते जैसे पता नहीं कितने सॉफ्ट हार्टेड हों, जैसे पता नहीं कितने नरम दिल के हों, ठीक है। तो हेडमास्टर जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, किसी को मारते नहीं थे, है ना। और उन्होंने पीटी सर जैसे सख्त अध्यापक को मुअत्तल भी कर दिया, ठिगने कद के थे। अब लेखक कहता है कि जब पीटी सर कभी कभी स्कूल में झंडियां हाथ में पकड़ा के, टाइट कपड़े पहना के, बूट पहना के लेफ्ट राइट करवाते तो हमें बहुत अच्छा लगता, तब हमें स्कूल जाना अच्छा लगता, और पीटी सर की एक बार शाबाश सबकी शाबाशों से बड़ी लगती। ओके दिस वाज द लेसन, टिल देन ओके गुड बाय, पीरियड इज ओवर।